प्रधानमंत्री आवास योजन अनियमितता जहाक नहीं हजार कोटी टंकार अभियोग आनीला भारतीय जनता पार्टी जहाक नहीं किछिदिन तले सारा राज्य में प्रति ब्लॉक आगे धारणा देते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं ताक नहीं पुणि पुनर्बार तदंत आरंभ होती जे फनी पर जो मानक अनियमितता कराने घर न पाई नहीं आउ थे तदंत कर उपयुक्त हिताधिकारी घर प्रदान कितु जिते बड़े तदंत प्रक्रिया आरंभ हो तदंत प्रक्रिय किसी अनियमितता को नहीं वर्तमान सत्यवादी आंचलिक कृषक संगठन आनी अभियोग जे पूर्वर जिते बड़े तदंत होता से किसी निर्दिष्ट लोक सांगे निला जो मैंने लोकों ठारू कि टंका नहीं घर देते एवं बर्तमान से ही कार्य आरंभ होता नहीं अभियोग आनी कृषक संगठन सभापति सागर रही जो मानक घर मिल ना से आज तहसिल अफिस् आगे रही तो एने आम आसतु शुणा कौन रखुं प्रतिक्रिया जेत घर दि जाऊत घर पर तदंत होते क्योंभली कार्यानुष्ठान करुच्चे सत्यवादी तहसिल अफिस् हूँ सत्यवादी ब्लक सत्यवादी ब्लक उन्नयन अधिकारी हूँ तदंत ठीक से होना ना एवं घर उपयुक्त लोक दि जावाई कार्य आरंभ होना ना बर्तमान पुणी आउ थे तदंत आरंभ होयुक्त लोक घर दिजाव कितु आपण मैंने अभियोग आ पूर्वर जो मैंने लोकों ठार् टा लुटी से सांगे निजाए पुणी आउ थे तदंत आरंभ होश्चिंत भाव में ए अनियमितता कौन कहे कैलाश चंद्र बराल सभापति आंचलिक कृषक संगठन सत्यवादी बड़ दुखर कथा जिते बड़े फनी है जो मैंने गरीब लोक मैंने आशा करते सरकार घोषणा कले जो मर घर भांगी से 95,000 दिजाव तेणु से बहुत खुशी थे कि जो तदंत है आम देखल से तदंत समय जो टाउटर दलाल मैंने सांगे गले से पैसा मागिले 15,000-20,000 टंका से आशा कले से नहींक्र 95,000 टंका देसंगे जो मान पैसा अच्छी चाकरी करार अच्छी छात घर अच्छी से 95,000 दे कहीं पैसा सागे सागे 15,000-20,000 देदेले कि जो गरीब लोक मैंने दे पारे से ना पाइबा हक थे से ना काटिकी जी पैसा देते ना बसागला ए विषय नहीं आम दीर्घ 2 वर्ष धरी धारणा देला कलेक्टर अफिस तहसिल अफिस ब्लक सब धारणा देला सब आम अभियोग कर आनीचु ए विषय आम जहाँ जनइले आज जाए कि फलप्रद आशाजनक किसी मिलूना एवं आम देखु जो मैंने से जिते बड़े आर आई मैंने तदंत करते सहित जो मैंने तदन समय जो मैंने पैसा आदाय करते एवं जो तदंत चली बर्तमान आज पर्यटन तदंत सरुनी एवं जो तदंत चली से मैंने अच्छा लोक मूँ मो पाखे भी रेकर्ड रखी मुझे गोटे लोक मुझ चाहूनी नापाई सी कहला जो भाई मुझ 20,000 टाँग देवाई कथ कर मत घर मिल जाव तेणु तुम्हें आज कह ना ये विषय कहला बड़ दुखर कथा आम आज तहसिलदार पाक आसलू तहसिलदार सार कहे बर्तमान आम सब रिपोर्ट सब लिखा चली शुक्रवार भितर सब लोक पैसा मिल जाव कि सब लोक तो नुहे जो मर सब मंजूर होती से पैसा मिल जाव बाकी बहुत लोग रही तेणु ये कौन पर रे जदि छात घर वाला दल तब भी तदंत आम कह कथा ये जो पाखे विरामचंद्रपुर जाए आम घर देखी ना आम कौ कितनी पैटर्न में देखी ना विश्वनाथपुर में देखी ना घर आर आई मैंने कौन देखिक रिपोर्ट देते कौट बसिक रिपोर्ट देते एवं भी लोक घर पाइब 95,000 वंचित अच्छा तेनाली आम आसलू आज अनुरोध करने प्रकृत गोटे तदंत कर उच्चस्तरीय तदंत कर सामिल रुंतु आम कि घर देखू से घर देखूँ प्रकृत में पाइबापी योग्य कि अजोग्य कि काटि दि जाए कौन पर कटा जाए निश्चित भाव में जितेबाला पुनर्बार तदंत प्रक्रिया आरंभ हो तदंत प्रक्रिय अनियमितता को नहीं साधारण लोके भयभीत अच्छा अभियोग आनी पुणी आसी एकाठी होती सत्यवादी तहसिल आगे आम पाखे रही से माने जो मैंने आज पर्यंत भी घर पाई कितु अभियोग आनुंच जो तदंत होले भी अनियमितता हो पाए कारण पूर्वर जो मैंने सांगे थे जो मैंने आर्थिक राशि नहीं लोक मूँ घर देते से पुणी ये तदंतर अच्छा कौन रखुं कौन कहे जितेबाला बर्तमान आउ थे तदंत प्रक्रिया आरंभ होती आपने अभियोग आनी लिखित अभियोग नहीं तहसिल अफिस् आँ कौन कौन कह के तो किसी सहायता मिलनी तथापि फनी बात्या किसी दिन पर आर आई मैंने जाइए आमर घर द्वार भांगिक मटी में लुटी जाइए वीडियो भी करके फटो भी उठे नहीं आसते किंतु एठिक देखला बेलू जार घर द्वार छात कोठाबाड़ी ताकू टा मिलला कि आमको किसी ना तुमको कहीं मिललानी तुमको किसी टाँह मागी कि तुम टाँह दे तुमको घर दबू एम किसी तो कहीना जे आसिक से ब्लक से कौन करेंगे कि किस कौन कही से कथा आम कहीपरबू तथापि आम पिपी में पकई ना केस रु काटिकी जे आमको किसी भी सहायता मिललानी जे घर द्वार जार भांगीजे कि नहीं जार न भांगी टाँह दि जाइए उथ घर भी दि जाए जो तदंत तदंत आसी तदंत प्रक्रिय अनियमितता हो किसी भूल तदंत हो आप अभियोग आनुंच कौन कहे
ଭୁଲ ଯେ ଏଇ କଥା ଯେ ଯେ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଯେ ତ ଘରବାଡ଼ି ଯାହାର ଅଛି ତ ତାକୁ କିଛି ମିଳୁଛି, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁର ମାଟିରେ ଲୁଟି ଯାଇଛି ନା, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି। ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ମିଳୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପୁଣି ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଘର ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରାଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ବି ଅନିୟମିତତା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଜି ପୁଣି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷକ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ସେମାନେ ତହସିଲ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଆଜି ଯେଉଁ ତହସିଲ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧାର କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର 95,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘର ଫନି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି। ନାଇଁ, ଫନି ସହାୟତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ଫନି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି? ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ କରାଯାଉନି, ଘରେ କେ 3-3 ଜଣ କୋଠା ହରବାଲା ଏହିପରି ସବୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପୁଣି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଣି ଅନିୟମିତତା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। କାଳେ ଆମକୁ ଘର ମିଳିବନି, ପୁଣି ତଦନ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ସେହି ବାଟମାରଣା ହେବ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆର୍ଥିକ ରାଶି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ, ଆଉ କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଆର୍ଥିକ ରାଶି। ପୁଣି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।